नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आज के इस नए एपिसोड में। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे 70 और 80 के दशक की बेहद खूबसूरत और टैलेंटेड एक्ट्रेस रेखा से जुड़े एक किस्से के बारे में। हिंदी सिनेमा की बेहद खूबसूरत अदाकारा रेखा की जिंदगी में कई उतार चढ़ाव आए। एक्ट्रेस रेखा जितना ऑन स्क्रीन पॉपुलर थी, उतनी ही उनकी पर्सनल लाइफ से जुड़ी बातें भी आए दिन अखबारों की सुर्खियां बनती रहती थी। रेखा से जुड़ा एक किस्सा है जिसमें कहा जाता है कि एक बार विनोद मेहरा की मां ने रेखा की बुरी तरह से पिटाई कर दी थी। उस जमाने में लिंकअप की खबरें आम हुआ करती थी। रेखा का नाम उनके कई को स्टार के साथ जुड़ा, उनमें से एक विनोद मेहरा भी थे। विनोद मेहरा ने रेखा के साथ घर और बिंदिया चमकेगी जैसी फिल्मों में काम किया। उस वक्त खबर थी कि रेखा और विनोद मेहरा ने चोरी छुपे शादी कर ली थी। जब विनोद मेहरा रेखा को अपनी माँ से मिलवाने उनके मुंबई वाले घर ले गए, तब विनोद मेहरा की माँ बहुत नाराज हो गई थी। रेखा ने खुद एक इंटरव्यू में विनोद मेहरा की माँ का जिक्र किया था, जिसमें उन्होंने इस बात को कबूला था कि विनोद मेहरा की माँ उन्हें पसंद नहीं करती थी। बॉलीवुड लाइफ की रिपोर्ट के मुताबिक रेखा ने 1973 में एक इंटरव्यू दिया था। इसमें उन्होंने कहा था, उनके लिए मैं सिर्फ एक एक्ट्रेस नहीं हूँ बल्कि बदनाम एक्ट्रेस हूँ जिसका अतीत बहुत खराब है। मेरी रेपुटेशन भी बहुत खराब है। रेखा ने आगे ये भी कहा था कि विनोद की माँ सिर्फ विनोद की वजह से ही उन्हें झेल रही थी, पर बाद में उनका गुस्सा रेखा पर फूट पड़ा था। उन्होंने कहा था, विनोद के लिए ही वो मुझे झेल रही थी लेकिन अब वो मुझे नहीं झेलेगी। आपको बता दें, रिपोर्ट्स के मुताबिक विनोद की माँ रेखा को देखकर इतना भड़क गई थी कि उन्होंने सैंडल से रेखा को पीटा था। इस वाक्य का जिक्र यासिर उस्मान द्वारा लिखी गई रेखा की बायोग्राफी द अनटोल्ड स्टोरी में है। बायोग्राफी में वाक्य का जिक्र करते हुए लिखा गया है कि विनोद मेहरा और रेखा ने कोलकाता में शादी कर ली थी। शादी के बाद विनोद अपनी माँ से रेखा को मिलवाने मुंबई ले आए। जब माँ ने विनोद को रेखा के साथ देखा तो उन्होंने एक्ट्रेस को अपनी बहू मानने से इनकार कर दिया। रेखा जब विनोद मेहरा की माँ के पैर छूने के लिए नीचे झुकी तो उन्होंने रेखा को धक्का मारकर खुद से दूर कर दिया। उन्होंने रेखा को घर के अंदर तक नहीं आने दिया। 70 के दशक में रेखा एक बोल्ड अभिनेत्री मानी जाती थी। उस समय उनके कई कंट्रोवर्शियल और बोल्ड स्टेटमेंट और बोल्ड फोटो सेशन ने काफ़ी सुर्खियां बटोरी थी। आइए कुछ ऐसे ही रेखा के बोल्ड फोटोग्राफ्स पर एक नज़र डालते हैं। Thank you.
आज के लिए बस इतना ही। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। फिर हम मिलेंगे एक नई इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ। जब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।